उत्तर प्रदेश के बांदा में ससुराल गए युवक का उसकी पत्नी से विवाद हो गया, जिसे नाराज पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मामले की जानकारी मिलने पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस घटना की सूचना मिलने पर फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। घटना बेबेरू कस्बे के मुसीवा गांव की है। मुसीवा की रहने वाली पूनम की शादी राम मिलन के साथ हुई थी। परिजनों का कहना है कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जिसको लेकर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने सुलह समझौता करवाया था। पति राम मिलन पूनम को ले जाने के लिए आया हुआ था। सुबह जब घर पर कोई नहीं था, उसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। सीओ बबेरू राकेश सिंह ने बताया है कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की होगी, फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। पड़ोस में रहने वाले भतीजे ने जब देखा तो उसने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच काफी दिन से झगड़ा चल रहा था। सूचना पाकर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।